15 अगस्त को शासकीय महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की उपस्थिति में जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष कुंज विहारी मंडलोई व शिक्षकों की उपस्थिति में बाउंड्री वॉल निर्माण व अन्य कार्यों की भूमि पूजन महाविद्यालय के प्रांगण में किया गया था, परंतु भूमि पूजन के 27 दिन बीत जाने के बाद भी ठेकेदार के द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। इसी को लेकर NSUI के छात्र छात्राओं के द्वारा आज पोलाय कला महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य दिनेश धनगर को ज्ञापन सौंपकर उक्त निर्माण कार्य को जल्द प्रारंभ कराने की मांग की गई। जब इस संबंध में प्रभारी प्राचार्य दिनेश धनगर से जानकारी ली गई, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि हमारे द्वारा सिर्फ साइकिल स्टैंड का भूमि पूजन किया गया था, जबकि भूमि पूजन के बाद में ठेकेदार को वर्क ऑर्डर भी विभाग के द्वारा प्रदान कर दिया गया, लेकिन राजनीति के दबाव में एक बार फिर शासकीय महाविद्यालय में भूमि पूजन का आयोजन किया जा रहा है। इससे आप जाहिर होता है कि अब शिक्षा का मंदिर भी राजनीति से छूता नहीं, एक बार फिर महाविद्यालय में भूमि पूजन देखने को मिलेगा। कॉलेज के बाउंड्री वॉल के विषय में हमारे द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। प्राचार्य महोदय, समस्त छात्र छात्राएं और समस्त स्टाफ और जन भागीदारी प्रतिनिधि के अध्यक्ष कुंज बिहारी जी मंडलोई के द्वारा और उनकी उपस्थिति में यहाँ पर 15 अगस्त 2024 को भूमि पूजन किया गया था बाउंड्री वॉल का, जो आज तक 27 दिन बीतने के बाद भी यहाँ पर बाउंड्री वॉल का कार्य नहीं हुआ है, उस विषय में प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। छात्रों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि भूमि पूजन 15 अगस्त को हो गया था बाउंड्री वॉल का, लेकिन भूमि पूजन जो उस समय हुआ था वो साइकिल स्टैंड का था, अभी जो भूमि पूजन होगा वो बाउंड्री वॉल का होगा। सर, भूमि पूजन के तौर पर बाउंड्री वॉल इसके संबंध में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें डाली गई थी, अध्यक्ष महोदय ने कितने भूमि पूजन किया, उन्होंने स्वीकार भी किया था कि बाउंड्री वॉल को भूमि पूजन किया है, क्या दोबारा भूमि पूजन किया जाएगा? नहीं, भूमि पूजन बाउंड्री वॉल का होगा, अब सोशल मीडिया पर क्या तस्वीरें हैं वो मेरे को उसकी जानकारी नहीं है। पोलाय कला से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।